नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं दीप्ति सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। ऋणात्मक संख्या कैसे बताएं? जी हां, आज का शीर्षक हमारे कार्यक्रम का यही है जो कि गणित विषय पर आधारित है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में ऋणात्मक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ऋणात्मक संख्या कैसे बताएं, ऋणात्मक संख्या क्या है और इसकी क्या आवश्यकताएं हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं श्री अवध किशोर मिश्र जी। नमस्ते मिश्र जी। सबसे पहले तो हमारे शिक्षक बंधुओं को ये बताइए कि ऋणात्मक संख्या क्या है। शिक्षक बंधुओं, हम जो संख्याएं हैं उनको बड़ी आसानी से बता देते हैं। कोई वस्तुएं हैं उनको, जो मूर्त वस्तुएं हैं, कोई भी उनकी वस्तुओं की सहायता से हम धनात्मक संख्याओं को बताते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जहां तक ऋणात्मक संख्याओं की बात है, एक समस्या है। इसको शिक्षक बंधु भी बड़ी आसानी से नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी जो है अमूर्त रूप में इसको दिया गया है। जैसे जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं क्या, जब हमें इनकी आवश्यकता कैसे होती, मान लीजिए हमें कोई छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाना है, जैसे हमें 6 में से 10 को घटाना है, तो हमारी ऋणात्मक संख्या आएगी। तो इस समय इस ऐसी परिस्थितियों में हमें ऋणात्मक संख्या की जरूरत पड़ती है। अमूमन जो हमारी पुस्तकों में दिया है, ज्यादातर हम इसका यह कहकर समझा देते हैं कि कोई भी ऋणात्मक संख्या, जैसे कोई ऋण तीन संख्या या ऋण चार संख्या है, इसमें है हम उसी संख्या को, जो हमारी धनात्मक संख्याएं हैं, तो उन्हीं संख्याओं को हम जोड़ दें तो हमारा जो उत्तर होता है वो शून्य हो जाता है। जैसे ऋण चार संख्या है और इसको हम 4 जोड़ दिया, ऋण चार और धन चार, तो हमारा 0 आ गया। तो इस तरीके से हम समझा देते हैं ऋणात्मक संख्याओं को, लेकिन इस तरीके से समझाने से बात स्पष्ट नहीं हो पाती है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो हमें और भी स्पष्ट करना पड़ता है इस बात को। तो बच्चों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए क्या कोई मतलब ऐसा उपाय है कि हम किस तरीके से हम बच्चों को सिखाएं, समझाएं कि वो मतलब अच्छे से समझ जाएं? इनको कुछ हद तक ऋणात्मक संख्याओं को समझाने के लिए हम एक संख्या रेखा के माध्यम से भी हम इनको समझा लेते हैं। अच्छा। बच्चों को आसान रहे इसलिए शिक्षक बंधु कुछ कहानी के माध्यम से भी ये बात को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि एक रहीम नाम का एक दुकानदार था, तो उसकी दुकान थी, वो उधार में वस्तुएं बेचा करता था। तो जब वो उधार में वस्तुएं बेचा करता था तो उसने सोचा कि उधार की वस्तुओं को हम कैसे नोट करें, इनको अंकित कैसे करें जो हमें याद रहे। तो उसने एक कापी ली और उस पर एक रेखा खींची। अच्छा। हाँ, एक रेखा खींच दी और रेखा खींचने के बाद उसने देखा कि यदि मान लीजिए वो 5 रुपए की चीज उधार लेता है, तो उसने 5 चिन्ह उस रेखा पर, 5 खाने जो बराबर है उस पर 5 रेखा पर उसने चिन्ह लगा दिया। जैसे आप देख रहे हैं संख्या रेखा है, एक संख्या रेखा है, उसने एक संख्या रेखा बनाई। तो जो ये संख्या रेखा बनाई उसने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से उसने चिन्ह बना लिए। तो यदि वो अपनी वस्तु, किसी ने उसको 5 रुपए उधार लिए तो वह 5 रुपए के सामने 5 लिख देता था। यदि किसी ने 3 रुपए उधार लिए तो वो 3 रुपए के सामने एक चिन्ह लगा देता था, 3 लिख देता था। तो इसलिए मान लीजिए इस जो संख्या रेखा है, इसलिए मान लीजिए किसी एक रमेश बच्चा है, उसने 7 रुपए उधार लिए, 7 रुपए की वस्तु उसने उधार ली, तो उधार देने के लिए उस दुकानदार को याद रखने के लिए उसने 7 का चिन्ह बना दिया। तो ये संख्या, ये हमारी एक धनात्मक संख्या है, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई ये उधार। अब कभी एक ऐसा हुआ कि मान लीजिए उसने 7 रुपए की वस्तु तो ली, जब उसने पैसे लौटाने की नौबत आई दूसरे दिन, उसने कहा कि पैसे की जरूरत है, हमें पैसे लौटा दीजिए। तो जब उसने पैसे लौटा ले, तो जब उसने पैसे लौटा ले तो उसने क्या किया, 10 का नोट दिया। तो जब 10 का नोट दिया तो उसने कहा कि 10 का नोट रख लीजिए और हमारे बाकी पैसे वापिस कर दीजिए। तो बड़ा उलझन में पड़ गया दुकानदार, उसने कहा कि ये तो हमने सोचे नहीं कि हमने 7 जो वस्तुएं उधार ली थी तो उनको तो हमने अंकित कर दिया, लेकिन जो पैसा जो जमा कर दिया, उसने पैसा दे दिया, उसको जो वापस करना है, जो उसको हम कैसे अंकित करें। तो उसने सोचा, उसने क्या किया, उसने एक संख्या इसको इधर
आगे बढ़ा दिया। अच्छा। और आगे बढ़ाने के बाद उसने मान लीजिए 10 का नोट एक दिया और उसने 7 रुपए उधार अपने वापस उसको करने थे तो उसको 3 रुपए वापस करने हैं, तो 3 रुपए वापस करने के लिए वो याददाश्त के लिए कैसे क्या करे, तो उसने क्या किया, उसने क्या किया इस तरीके से, उसने जो संख्या रेखा खींची थी उसने एक बिंदु शून्य मान लिया और इधर 1 2 3 4 5 6 तो उसने क्या किया, जो उधार देता था जो पैसा लेता था ग्राहक से वो तो इधर नोट करता था, उसके दिमाग में आया उसने एक बाई तरफ की रेखा खींची और उसी समान बराबर भाग किए और उन रेखा पर जो 3 इधर की जो शून्य से इधर उसने बाई तरफ वो संख्याएं थी उसने नोट कर दी, उसी दूरी पर एक नोट कर दिया, फिर 2 नोट कर दिया, फिर 3 नोट कर दिया और 3 रुपए उसको उधार, 3 रुपए उसको वापस करने हैं। जब 3 रुपए वापस करने हैं तो वो वापस वाली चीज उसने अपनी बाई तरफ जो शून्य उसने बनाया है उसकी बाई तरफ उसने 3 को लिख दिया, ये जो 3 लिखा हुआ है ऋण 3 ये 3 नोट कर दिया, तो इसके मतलब जो वो पैसा लेगा तो वो तो धनात्मक संख्या हो गई और जो पैसा देगा जितने भी पैसा किसी को वापस किए पैसे जो देगा वो इधर बाएं शून्य के जो बाईं ओर, तो इसका अर्थ हुआ कि जो हमारी जो संख्या रेखा है इस पर जो दाईं ओर जो हम अंकित करते हैं वो एक तरीके से धनात्मक संख्याएं जो दर्शाता है और जो शून्य की जो हम बाईं तरफ की जो संख्या नोट करते हैं वो संख्याएं हमारी ऋणात्मक संख्याएं दर्शाती हैं। अच्छा, तो आप हमें एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि ऋणात्मक संख्या की आवश्यकता कैसे हमको मतलब पड़ी, ऋणात्मक संख्या की हमें आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि हमें छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना पड़ा, ज्यादातर इस तरीके से हमें लाभान लाभ की चीजें हानि की चीजें अतीत भविष्य के बारे में बात सोचनी पड़ी, उतरना चढ़ने के बारे में एसेंडिंग डिसेंडिंग माने उतरना चढ़ना अवरोही आरोही क्रम अवरोही क्रम इस तरीके की हमें जरूरत पड़ी, तो हमने इसको और स्पष्ट करने के लिए हमें और हमें शिक्षक बंधु इसको और यदि स्पष्ट करने के लिए और भी उदाहरण लिए, तो और उदाहरण के लिए और स्पष्ट हो जाने के लिए क्या किया, ये दिखाई दिया दिख रहा है कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी में एक गड्ढा है और एक हमारा धरातल है जहां गड्ढा किया गया एक तल है, तो यहां उसने शून्य मान लिया और ये डंडे जो थे इसके जो डंडे लगे हैं सीढ़ियों के जो ऊपर की तरफ हैं 1 2 3 4 5 6 7 यहां से नीचे भी हैं 1 2 3 4 तो उसने जो गिनती शुरू की जहां से हमारा धरातल था यहां तो शून्य समझाया और ऊपर जो ऊपर की तरफ यदि हम चढ़ेंगे तो ऊपर हम जितनी भी सीढ़ियां चढ़ेंगे शिक्षक बंधु ये समझाएं कि जैसे ऋणात्मक संख्या हमें समझानी है या धनात्मक संख्या समझानी है, जब हम ऊपर को चढ़ेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं को हम धनात्मक से अंकित करते हैं, धनात्मक से अंकित करें उसको धनात्मक संख्याओं से अंकित करें और समझाने के लिए ये बातें हम बताएं, और जब हम इसको नीचे यहां से जब हम नीचे गड्ढे की तरफ जब हम सीढ़ियां उतरेंगे तो इनको हम ऋणात्मक संख्याओं से उसे दर्शाएं, मतलब तल पे हमने शून्य दे दिया और जो ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हैं उसको हमने धनात्मक से कर दिया और जो गड्ढे के अंदर हैं उनको ऋणात्मक, जैसे जब यहां से धरातल से वो नीचे एक सीढ़ी उतरेगा कोई व्यक्ति तो ऋण एक सीढ़ी नीचे आया, तो जो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ऊपर की तो क्या किया कि जो ऊपर जाते हैं तब वो धनात्मक हो गया, ये समझाने के लिए क्योंकि पुस्तकों में हमने पहले बताया कि वो एक अमूर्त दिया हुआ है, ऋणात्मक संख्या के बारे में बिल्कुल स्पष्ट इस तरीके की नहीं है, तो हम इन माध्यमों से हम उनको समझा सकते हैं कि पहले संख्या रेखा पर हमने समझा दिया, फिर संख्या रेखा के बाद में हमने इस तरीके से लिया ने एक गड्ढे में सीढ़ी डाली और इस तरीके से, और इससे ये भी स्पष्ट होगा कि हमारी यहाँ से कोई जगह से दूरी पास में है या नजदीक में है ऋण की कौन सी, वैसे बच्चा ये समझ लेता है कि ऋण 5 है या ऋण 3 है, ऋण 5 जो है वो ज्यादा दूर है, ऋण 2 है ज्यादा नजदीक है, इस तरीके से भ्रम होता है, इस भ्रम को मिटाने के लिए भी उतरने चढ़ने के लिए उसने इन संख्याओं का प्रयोग बताया कि और एक अवधारणा जो है वो उसकी क्लियर हुई, इस तरीके से हम अवधारणा समझें, तापमान को भी इस तरीके से माइनस में टेम्परेचर होता है ताप, हमारा ताप उसको भी उसने इसी तरीके से थर्मामीटर के माध्यम से समझाया कि थर्मामीटर नीचे के ऋणात्मक जो हमारी संख्याएं कैसे हम इनको समझाते हैं, धनात्मक संख्याओं को कैसे समझाते हैं, उतार चढ़ाव, तो ये उतार चढ़ाव माने उतरना और चढ़ना सीढ़ी के माध्यम गड्ढे के माध्यम से समझाया कि ऋणात्मक संख्याओं को हम
किस तरीके से चित्रों के माध्यम से हमने लिया, क्योंकि वस्तुओं द्वारा इसको हम नहीं समझा सकते हैं ऋणात्मक संख्याओं को, इसीलिए ज्यादा दिक्कत है ऋणात्मक संख्याओं को समझाने में। और जब ऋणात्मक संख्याओं को इस तरीके से और भी उदाहरण पेश करते हैं, अतीत और भविष्य, यदि हमें अतीत और भविष्य के बारे में बताना है और अतीत भविष्य का एक उदाहरण लेकर के ऋणात्मक और धनात्मक के बारे में कुछ और अवधारणा को हम समझा सकते हैं, इस तरीके से बच्चा यदि समझ सकता है तो हम उसको भी बता देते हैं कि मान लीजिए उसने इस तरीके से संख्या रेखा दी हुई है और हमने इस संख्या रेखा के माध्यम से भी अतीत और भविष्य को दर्शाया है। हमारा ये पीछे आने वाला कल है, परसों जो बीत गया है, जैसे कल बीत गया हमारा है, परसों बीत गया है, और ये आगे आने वाला है भविष्य, अतीत और भविष्य की कल्पना लाभ हानि की इसके माध्यम से हम क्लियर माने स्पष्ट करते हैं ऋणात्मक संख्याओं को। ऋणात्मक संख्याएं क्या हैं? तो इस तरीके से शून्य आज जो हमारा वर्तमान है वो शून्य को हमने दर्शाया कि हमारा वर्तमान शून्य से शून्य हमने दिखाया बच्चे को समझाने के लिए। और जब हमारा जो भविष्य है, जो मैंने भविष्य में जैसे हमारा कल आने वाला है तो उसने कल को हमने एक से नोट कर दिया कि एक, आगे परसों आएगा, परसों को हमने कर दिया ये हमारे दो दिन के बाद आएगा तो ये दो हो गया, एक दिन अगले आएगा तो एक हो गया, दो दिन आएगा दो हो गया। हमारा जो बीत गया है कल, जो हमारा कल बीत गया है उसको भी हम बता सकते हैं, हमारा जो कल बीत गया एक दिन बीत गया है तो माइनस एक दिन बीत गया है, इसके मतलब एक हमारा बीत गया, इसको माइनस मैंने ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या से हमने इसको मतलब बीते हुए को हमने ऋणात्मक समझाने के लिए, जिससे बच्चे की दिमाग में बैठ जाए कि ऋणात्मक और धनात्मक ये थोड़ा जटिल समस्या है ऋणात्मक संख्याओं को बताना, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत जल्दी नहीं जान पाता है, इसको बहुत स्पष्ट रूप से हमें कई उदाहरण दे करके इसको बताना पड़ता है। तो इस तरीके से जो हमारा बीत गया है, जैसे कल बीत गया तो हमने ऋण एक से इसको नोट किया कल बीत गया, इस तरीके से हमारा परसों यदि बीत गया है तो ऋण दो से इसको नोट कर दिया उतनी दूरी पर और परसों दिखा दिया, और अतीत और भी पीछे के दिनों को हमें दिखाना है, संख्याएं बढ़ाते बीते हुए दिनों को दिखाना है, तो उसी तरीके से संख्या रेखा पर हम इस तरीके की संख्याएं बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, तो इस तरीके से हम उन संख्याओं को बड़ा घटा करके स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब अगर शिक्षक बंधु चाहें तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो कि वो इस्तेमाल करके बच्चों को अच्छी से समझा सकते हैं। हाँ, माने इस तरीके के उदाहरण द्वारा ही हम इसको समझाया जा सकता है शून्य को, क्योंकि उनको इसको हम मूर्त वस्तुओं के माध्यम से नहीं समझा सकते। हमें अमूर्त का ही अधिकतर अमूर्त हमारी पुस्तकों में भी अमूर्त से ही वस्तुएं अमूर्त से इसको बताते मतलब हैं। शुरुआती दौर की चीजें हम मूर्त रूप में दिखा सकते हैं, अंक सिखाना संख्याएं सिखाना बच्चों को वो सब हम मूर्त रूप में उनको बताते हैं, मतलब संख्या को मूर्त रूप से ही बताते हैं। हाँ। जैसे हम एक गिनना है एक वस्तु दिखा दी, दो गिनना है दो वस्तु दिखा दी, दो धनात्मक, तो जितनी हमारी गिनतियां हैं संख्याएं हैं इनको धनात्मक रूप से तो बड़ी आसानी से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम ऋणात्मक संख्याएं लेने बैठते हैं तो उसमें एक समस्या उत्पन्न होती है, और उस समस्या को हमें किस तरीके से तो बताना है, उस अवधारणा को स्पष्ट करना है, इसलिए हम कई उदाहरण हम लेते हैं लाभ हानि के माध्यम से उसको बता देते हैं, लाभ हुआ कि हानि हुई, लाभ को हम पॉजिटिव बताते हैं माने धनात्मक संख्या के रूप में उसको बताएं, जो हमारी हानि है उसको ऋणात्मक संख्या के रूप में बताएं, इस तरीके से जो हमने अतीत वाला बताया कि अतीत जो बीत चुके दिन है, हमारे आने वाले दिन है, हमारे टेम्परेचर ताप को भी हमारा कितना टेम्परेचर है माइनस ऋणात्मक में, तो ऋणात्मक भी टेम्परेचर देखा होगा आजकल हमारी, तो मुख्य हमारी आजकल जो भी हमारी परीक्षाएं भी इस तरीके पर आधारित हैं, जब हम सवाल गलत करते हैं तो कुछ परीक्षाएं हमारे नंबर काट लेती हैं और ऋणात्मक अंक देती हैं कि हमारा सवाल गलत हो गया तो एक ऋणात्मक अंक, तो उसको भी हम बच्चे को स्पष्ट करते हैं कैसे क्या ऋणात्मक होता है। तो इन बातों से शिक्षक बंधु स्पष्ट हुआ कि हमारी जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको कुछ ऐसे उदाहरण लेकर के हम बताएं जिससे बच्चों को स्पष्ट हो जाए, और आज के कार्यक्रम ने यही ज्यादातर जोर दिया है ऋणात्मक संख्याओं को, सबसे पहले संख्या रेखा पर बताया, संख्या रेखा के बाद में हमने एक उदाहरण लिया, एक कहानी का उदाहरण लिया, फिर हमने सीढ़ी का उदाहरण लेकर इसको स्पष्ट कर दिया। तो अधिकतर उम्मीद है कि ऋणात्मक संख्याओं को जानने या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हम आसानी से बच्चों को भी हम इन संख्याओं को बड़ी आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। तो मिश्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने ऋणात्मक संख्या के बारे में हमारे अध्यापक बंधुओं को बताया। अध्यापक बंधु
आशा करती हूँ कि आपको ऋणात्मक संख्या के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आप बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को किस तरह ऋणात्मक संख्या के बारे में जानकारी दें और बताएं। हम अपनी अगली मुलाकात में किसी ऐसे ही रोचक बिंदु के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। आज बस इतना ही।